फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ह्यूमरस के बारे में। तो ह्यूमरस को हम सभी लोग जानते हैं, ये आर्म की बोन होती है और अपर लिम की हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग बोन इसे मानी जाती है। ह्यूमरस को हम कुछ और नामों से भी जानते हैं, इसे हम फनी बोन भी कहते हैं, इसे लाफिंग बोन भी कहा जाता है। तो चलिए आज के सेशन में हम बात करते हैं ह्यूमरस के एनाटॉमिकल फीचर्स की। सबसे पहले हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं ह्यूमरस का। ये हमने ह्यूमरस का डायग्राम बनाया है। जैसे हम लॉन्ग बोन को नॉर्मली स्टडी करते हैं, हम तीन पार्ट में डिवाइड करके उसको स्टडी करते हैं। एक अपर पोर्शन होता है जिसको अपर एंड कहते हैं, एक लोअर पोर्शन होता है इसको लोअर एंड कहते हैं, और बीच के पोर्शन को नॉर्मली साफ कहा जाता है। तो इसको भी हम वही तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, अपर एंड, लोअर एंड एंड शाफ्ट। तो अपर एंड की सबसे पहले हम बात करते हैं अपर एंड से। अपर एंड में जो मेन स्ट्रक्चर हमें दिखता है वो है हेड। इसको हम बोलेंगे हेड ऑफ द ह्यूमरस। तो ये है हेड। हेड साइड डिटरमिनेशन में भी हम उसको यूज करते हैं। हेड मीडियली रहता है, थोड़ा सा ये अपवर्ड होता है और बैकवर्ड होता है। तो मीडियली ये रहता है और ये आर्टिकुलेट करता है, शोल्डर जॉइंट बनाता है स्कैपुला के साथ में मिलकर। तो स्कैपुला की ग्लेनोइड कैविटी के साथ में हेड ऑफ द ह्यूमरस का आर्टिकुलेशन होता है और शोल्डर जॉइंट का फॉर्मेशन होता है। अब जब स्कैपुला के साथ ये मिलता है तो ग्लेनोइड कैविटी का सरफेस एरिया छोटा होता है और इसका सरफेस एरिया हेड का थोड़ा सा आपको बड़ा मिलेगा। इसकी वजह ये होती है कि इससे इसको मूवमेंट करने में फ्रीडम मिलती है। हेड के बिल्कुल पास में ही आपको एक और एरिया लाइन, बिल्कुल हेड के साथ साथ जो लाइन दिखेगी आपको, उसे हम कहेंगे एनाटॉमिकल नेक। ये हो गई एनाटॉमिकल नेक। एनाटॉमिकल नेक, एनाटॉमिकल नेक के अलावा एक नेक ह्यूमरस में हमें और भी देखने को मिलती है, जहां अपर पार्ट अपर एंड लोअर एंड के साथ में शाफ्ट के अपर एंड शाफ्ट के साथ में जहां मिलता है। ये जो एरिया है जहां हम कहते हैं कि अपर एंड से शाफ्ट जब स्टार्ट होती है, तो नॉर्मली ये जो एरिया है इसको हम कहेंगे सर्जिकल नेक। ये हो गई आपकी सर्जिकल नेक। तो एक हमें इसमें एनाटॉमिकल नेक मिली, एक सर्जिकल नेक मिली। सर्जिकल नेक इसको जनरली यूं कहा जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द फ्रैक्चर्स जो होते हैं वो लगभग इसी साइड पे होते हैं ह्यूमरस में, इसलिए इसको हम नाम देते हैं सर्जिकल नेक। सर्जिकल नेक से नॉर्मली 0.5 सेंटीमीटर अबव एक और हमें लाइन देखने को मिलती है जिसको एपिफाइजियल लाइन कहते हैं। वो नॉर्मली जब अडल्ट फेज में आते हैं तो वो एपिफाइजियल जो नेक है वो डिसअपियर हो जाती है। तो मेनली दो नेक हमें देखने को मिलती है, एनाटॉमिकल नेक और सर्जिकल नेक। जो और स्ट्रक्चर हमें यहां पे देखने को मिलता है वो कुछ दो ट्यूबरकल्स हमें मिलते हैं, एक का थोड़ा सा एरिया बड़ा होता है एक छोटा होता है। तो जो बड़ा होता है उसे हम कह देते हैं ग्रेटर ट्यूबरकल, ग्रेटर ट्यूबरकल। और ये लेटरली होता है या हम कह सकते हैं पोस्टीरियरली होता है, और ये एक हो गया लेसर ट्यूबरकल। तो ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल, ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल, इनको ट्यूबरकल्स को साइज के हिसाब से ग्रेटर और लेसर हमने कहा है। ये जो लेसर है ये मीडियली होता है, एंटीरियर साइड से अगर एंटीरियर व्यू आप लेंगे तो उसमें आपको बहुत इजीली ये क्लियर दिख जाएगा, जबकि ये इसको हम थोड़ा सा पोस्टीरियर व्यू के साथ भी देख सकते हैं, ये थोड़ा सा पोस्टीरियरली तक जाता है। ये जो ट्यूबरकल्स हैं ये एक्चुअली मेन साइट्स होती हैं जहां आप इनके ऊपर फिसेट्स होते हैं, कुछ इंप्रेशन होते हैं जहां आकर के मसल्स अटैच होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मसल्स होती हैं, उनको सीट्स कहा जाता है, सीट्स मसल, जिसमें जो रोटेटर कफ की मसल्स होती हैं चारों मसल, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टेरिस माइनर। ये मसल्स जो इंसर्ट होती हैं ये होती हैं ग्रेटर ट्यूबरकल पे और लेसर ट्यूबरकल सबस्कैपुलरिस। तो ये जो चारों सीट्स मसल हैं इनको रोटेटर कफ मसल भी हमने कहा है, ये यहां पर आकर के अटैच होती है।
ये जो दोनों ट्यूबरकल्स हैं इनके बीच में जो स्पेस होता है वो एक ग्रूव टाइप स्पेस बनाता है, जिसको सल्कस भी हम बोल देते हैं, वो सल्कस बनती है, वो सल्कस जिससे वाली ग्रेटर ट्यूबरकल का जो मीडियल एंड हो गया और लेसर ट्यूबरकल का जो लेटरल एंड हो गया, तो दोनों के बीच से ये जो सल्कस बनती है इसको हम, क्योंकि दोनों ट्यूबरकल के बीच होती है इसलिए इसको इंट्रा ट्यूबरकुलर, इंट्रा ट्यूबरक्यूलर सल्कस भी हम लोग बोल देते हैं। इसको बाइसिपिटल ग्रूव भी बोला जाता है। बाइसिपिटल ग्रूव इसलिए बोला जाता है क्योंकि बाइसेप का जो लॉन्ग हेड है उसके टेंडन्स यहां से पास होते हैं, तो इसको बाइसिपिटल ग्रूव भी बोला जाता है। ये एक और इस ग्रूव का इंपॉर्टेंस होता है कि इसमें इसका जो लेटरल, इसका जो लेटरल लिप है वो ग्रेटर ट्यूबरकल का मीडियल एंड बनाता है, और जो इसका मीडियल लिप है वो लेसर ट्यूबरकल का लेटरल एंड बनाता है। तो ये दोनों मिलकर के इस ग्रूव को बना देते हैं। यहां पे जो कुछ मसल इस ग्रूव के साथ जो इंसर्ट होती हैं, नॉर्मली इसके लैटिसमस डोर्साई, टेरिस मेजर और पेक्टोरिस मेजर, इनको इनको हम कॉमनली रेडी बिटवीन टू मेजर्स के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए उसकी बात हम करेंगे जब हम इसके मसल सेक्शन की बात करेंगे। तो फिलहाल हम इसके जो मेन फीचर्स हैं उन्हीं पे कंसंट्रेट करते हैं। तो ये हमारा अपर पोर्शन हो गया। तो अपर पोर्शन में हमें एक हेड मिला, एक एनाटॉमिकल नेक मिली, एक हमें सर्जिकल नेक मिली, ग्रेटर ट्यूबरकल मिला, लेसर ट्यूबरकल मिला और इंट्रा ट्यूबरकल सल्कस मिली। अब हम आते हैं शाफ्ट के पोर्शन पे। तो शाफ्ट के पोर्शन को जब हम देखते हैं तो शाफ्ट पे हमें नॉर्मली स्टडी करने के लिए हम इसको बॉर्डर्स इसके देखते हैं, सर्फेसेस देखते हैं। तो ये जो लेटरल लिप है, जो इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस की लेटरल लिप है, ये लेटरल लिप आगे जाकर के इसका एंटीरियर बॉर्डर बनाती है। ये लेटरल लिप क्या बनाती है? एंटीरियर बॉर्डर बनाती है। और जो मीडियल लिप है वो एक्चुअली इसका मीडियल बॉर्डर बनाती है। मीडियल लिप इसका मीडियल बॉर्डर बनाती है। तो जो इसका एंटीरियर बॉर्डर है, ये इसका हो गया एंटीरियर बॉर्डर। ये इसका हो गया लेटरल बॉर्डर और ये इसका हो गया मीडियल बॉर्डर। तो ये इसके अंदर हमें तीन बॉर्डर्स देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से जब हम सरफेसेस की बात करते हैं तो एक सरफेस हो गया जो एंटीरियर बॉर्डर से लेकर के मीडियल बॉर्डर तक जाता है, एंटीरियर बॉर्डर टू मीडियल बॉर्डर, और इस सरफेस को हम कह देंगे एंट्रो मीडियल सरफेस। तो ये हो गया इसका एंट्रो मीडियल सरफेस, यानी एंटीरियर बॉर्डर टू मीडियल बॉर्डर। एक इसका सरफेस हो गया जो एंटीरियर बॉर्डर से लेटरल बॉर्डर तक का जो सरफेस है, इसको हम कहेंगे एंट्रो एंट्रो लेटरल सरफेस। तो दो सरफेस हमें यहां पे देखने को मिले, एक एंट्रो मीडियल सरफेस और एक एंट्रो लेटरल सरफेस। और एक इसके पोस्टीरियर साइड में सरफेस होता है जो हम यहां से एंटीरियरली व्यू नहीं कर सकते, लेकिन उस सरफेस को हम क्या बोलेंगे, वो सरफेस हो गया पोस्टीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस। तो तीन हमें बॉर्डर मिले, इसके साथ तीन ही हमें इसमें सरफेसेस मिलते हैं, एंटीरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर। इसी तरीके से एंटीरियो मीडियल सरफेस, एंट्रो लेटरल सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। जो एंट्रो लेटरल सरफेस है उस सरफेस पे हाफ ऑफ द शाफ्ट से थोड़ा सा अबव हमें जाकर के हमें एक वी शेप्ड एक स्ट्रक्चर मिलता है, और उस वी शेप्ड स्ट्रक्चर एक्चुअली वो इंसर्शन पॉइंट है किस मसल का, बाइसिपिटल मसल, डेल्टॉइड मसल का, इसलिए हम उसको डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी के नाम से भी जानते हैं। उसको हम क्या बोल देते हैं, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। तो यहां पे डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, और डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे के साइड में हम देखेंगे तो हमें एक स्पाइरल बैंड मिलेगा, स्पाइरल ग्रूव मिलेगी, उसको हम नाम देते हैं, क्योंकि वो स्पाइरल ही होती है इसलिए हम उसको स्पाइरल ग्रूव भी बोल देते हैं।
और इसको रेडियल ग्रूव के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमें पोर्शन स्ट्रक्चर शाफ्ट के अंदर मेनली मिलते हैं। अब हम आते हैं लोअर एंड पे। लोअर एंड पे जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो उसमें क्या होगा कि ये हमने कहा था कि इसका लोअर एंड में ये एक्सपेंड हो जाती है, जो लोअर एंड है इसका वो एक्सपेंड हो जाता है। तो जब एक्सपेंड होगा तो इस तरीके का लगभग स्ट्रक्चर वहां बनता है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको हम बोल देते हैं एपिकोंडाइल। इसको क्या बोलेंगे? एपिकोंडाइल। अब जो मीडियल साइड में है उसको हमने नाम दिया मीडियल एपिकोंडाइल, मीडियल एपिकोंडाइल। और जो लेटरल साइड में है उसको हमने नाम दे दिया लेटरल एपिकोंडाइल। तो हमें दो एपिकोंडाइल मिले, एक मीडियल एपिकोंडाइल, एक लेटरल एपिकोंडाइल। और इस एपिकोंडाइल से ऊपर जो रिज आती है, देखिए होता क्या है, हमें सरफेसेस और बॉर्डर्स बॉर्डर्स जो है वो प्रॉपरली दिखते ही लोअर साइड में है, अपर साइड थोड़ा सा हल्का सा राउंडेड टाइप होता है, इसलिए हमें उसके एरियाज बहुत क्लियरली समझ में नहीं आ पाते। जब हम लोअर एंड में जाते हैं तो ये एक्सपेंड होता है, तो वहां हमें इसके बॉर्डर्स और सर्फेसिस पूरा प्रॉपरली देखने को मिलते हैं। तो ये एक रिज बनाता है। जो रिज बनाता है इसको, क्योंकि कोंडाइल के ऊपर रिज बनती है, ये कोंडाइल से पहले होती है, उससे सुपीरियर होती है, सुपीरियर टू द कोंडाइल, इसलिए इसको नाम दिया जाता है सुप्रा कोंडाइलर रिज। अगर ये मीडियल साइड में है तो मीडियल सुप्रा कोंडाइलर रिज, और अगर ये लेटरल साइड में है तो लेटरल सुप्रा कोंडाइलर रिज। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मीडियल सुप्रा कोंडाइलर रिज। पर ये हो गई लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज। तो एक मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज, एक लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज, मीडियल एपिकोंडाइल, लेटरल एपिकोंडाइल। और अब आता है आर्टिकुलेटिंग फेस, इसका एरिया। इसमें ये जो पोर्शन है ये इसको हम बोलेंगे ट्रोकलिया। ये क्या है? ट्रोकलिया। ये एक्चुअली पुली शेप एक स्ट्रक्चर होता है, फ्लैंजेस होते हैं दो, मीडियल फ्लैंज, लेटरल फ्लैंज, उसका हम बाद में आगे जिक्र करेंगे। लेकिन ये ट्रोकलिया जो है, ये ट्रोकलिया सरफेस एरिया है किसके लिए? अल्ना बोन के लिए। तो अल्ना जो है वो यहां आकर के इसके साथ आर्टिकुलेट करती है, जब हम एल्बो जॉइंट की बात करते हैं तब। और ये जो लेटरल साइड का एरिया है, यहां पे आर्टिकुलेशन होता है रेडियस बोन का। तो इसको हम कहते हैं कैपिचुलम। ये हो गया कैपिचुलम। तो कैपिचुलम और ट्रोकलिया दोनों आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस हैं इसके। इनके जस्ट ऊपर हमें ग्रूव देखने को मिलेगी, एक इसके ऊपर और एक इसके ऊपर। ये जो ग्रूव हैं, ये यहां पे अल्ना के ऊपर जो ग्रूव हमें मिलेगी मीडियल साइड में, ये हो गई, इसको हम यहां मेंशन कर देते हैं, ये हो गई कोरोनोइड फोसा। ये हो गया कोरोनोइड फोसा। और इसके ऊपर जो ग्रूव हो गई, ये हो गई रेडियल फोसा। क्योंकि यहां जब फ्लेक्शन की पोजीशन आती है आर्म की, तो यहां पे अल्ना का कोरोनोइड नोच आकर के यहां इस फोसा में मिलती है, और इधर से जब हम फ्लेक्शन करते हैं तो रेडियस का हेड ऑफ द रेडियस आता है। अब इसी का जब हम पोस्टीरियरली थोड़ा सा देखते हैं, तो मैं एक डायग्राम हल्का सा यहां बना दूं, ये इसको जब हम पोस्टीरियरली देखते हैं तो इसमें सिर्फ एक हमें फोसा मिलता है, यहां हमें दो फोसा मिले हैं। पोस्टीरियरली एक होता है और इसको हम नाम देते हैं ओलिक्रेनम फोसा। तो ये ओलिक्रेनम प्रोसेस जो है अल्ना का, वो जब हम इसको एक्सटेंशन करते हैं तब ओलिक्रेनम प्रोसेस के पास जाता है, वो हम जॉइंट्स में बात करेंगे उसकी। तो हमें तीन फोसा मिले, दो एंटीरियरली मिले और एक हमें पोस्टीरियरली मिला। तो पोस्टीरियरली ओलिक्रेनम फोसा और एंटीरियरली कोरोनोइड फोसा और रेडियल फोसा। और जो आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस हमें मिले वो ट्रोकलिया एंड कैपिचुलम। तो ये हमारा एक तरीके से ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर हुआ हमारा ह्यूमरस का। मसल्स की हम बात करेंगे ह्यूमरस की नेक्स्ट सेशन में,
और हमने अपने एक अलग वीडियो के थ्रू हमने मसल्स ह्यूमरस की बताई हुई भी है, आप वहां जाकर के भी उसको देख सकते हैं। एक बार हम इसको पूरा रिवाइज करते हैं, इसको हम तीन पोर्शन में ह्यूमरस को डिवाइड करते हैं, एक अपर एंड हो गया, एक लोअर एंड हो गया और तीसरा जो एंड पोर्शन हमें देखने को मिला वो शाफ्ट हो गया। अपर एंड में जो पोर्शन हमें मिलते हैं उसमें एक हेड ऑफ द ह्यूमरस हो गया, एनाटॉमिकल नेक हो गई, सर्जिकल नेक हो गई, ग्रेटर ट्यूबरकल हो गया, लेसर ट्यूबरकल हो गया और इंट्रा ट्यूबरकुलर सल्कस हो गया। शाफ्ट के अंदर हमें एंटीरियर बॉर्डर हो गया, लेटरल बॉर्डर हो गया, मीडियल बॉर्डर हो गया, एंटीरियर एंट्रोमीडियल सरफेस हो गया, एंट्रोलेटरल सरफेस हो गया और इसके बैक साइड में पोस्टीरियर सरफेस हो गया। एंट्रोलेटरल सरफेस के अंदर हमने कहा डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी हमें मिलती है, एक स्पाइरल ग्रूव हमें यहाँ पे देखने को मिलती है जिसको हमने रेडियल ग्रूव भी कहा है। जब हम लोअर एंड में जाते हैं तो हमें लेटरल एपिकोंडाइल, मीडियल एपिकोंडाइल, लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज, मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज, ट्रोकलिया, कैपिचुलम और पोस्टीरियर साइड में ओलिक्रोनम फोसा। तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे ह्यूमरस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये मेरे हिसाब से अपना आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।